Anya Shikipa fans, today we are going to talk about the brightest in the sky episode 38 in Hindi explain. So let's get started. In episode 38, हम देखते हैं बुक्स अब जेंजन के घर ही रहना चाहता है. Now बुक्स और जेंजन इसी बात पे fights में लग गए. जाइमन भी चूंकि मूव आउट हो चुकी होती है तो ही इज टेकिंग दिस चांस और उसी के रूम में रहने के लिए वो तैयारी करने लगा और जेंजन ट्राइंग टू स्टॉप हिम और ऐसे बुक्स ने जेंजन को बेड पे पुश करके उसे मूव ना होने के लिए कह दिया. अब बुक्स का रिजर्वेशन जेंजन के घर हो चुकी है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. अब हमें भी देखना है ये कपल आगे क्या क्या गुल खिलाता है. Now next morning Boksu breakfast लाता है जेंजन के लिए. They're living like a newly married couple. Boksu को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने crowds के बीच normal people की तरह रहने में. He's now feeling this is the real happiness. Boksu ने even वो breakfast भी जेंजन की मनी से ही खरीदी थी तो जेंजन को समझ नहीं आ रहा Boksu के साथ चल क्या रहा है. आने कार Boksu ने directly जेंजन को propose कर डाली marry के लिए. और इतना ही नहीं उसने इनडायरेक्टली अपने फादर की डिसीजन भी बोल डाली. ही सेड अनदर प्लैनेट मुझे साइन दे रहा है सिग्नल दे रहा है वापस आने के लिए बट मैं नहीं गया कॉज यू आर इन अर्थ. तो जिनजन ये बात सुन के मन ही मन ब्लश करने लगी बट तभी जिनजन अपसेट भी हो गई कॉज जब उसने देखा बुक्स इवन ट्राई ना सेल हिज कार फॉर मनी. तो जिनजन काफ़ी अपसेट हो गई क्या वो इतना ही ब्रोक में है. एंड दिस साइड इन कंपनी चेयरमैन ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिंगिंग कॉन्टेस्ट की जज की सीट को मिस्टर उगंग को ऑफर की. वो ये बहुत ही फेमस कॉन्टेस्ट होने वाला है जो अमेरिका में हेल्ड होगा. जीरो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा. एंड दिस साइड जीरो जिसमसे हुई मिस अंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करनी और उसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई. और इतने में ही जीरो को जेंजन की कॉल आती है जो जाइवन देख ली और गुस्से से वहाँ से चली गई. जेंजन ने जीरो से फेवर की जाइवन को समझाने के लिए. आफ्टर दैट हम देखते हैं बुक्सू ने बहुत ही डिलीशियस लंच बना के लाया है जेंजन के लिए बट जेंजन ऐसी टाइम प्रैक्टिस की बात करके बुक्सू की पूरी मूड ही रुइन कर दी बट आखिर में खा भी लेता है. एंड दैट टाइम ऑनकार जीरो ने जाइवन से मूव आउट होने के रीज़न आस्क की तो जाइवन ने जीरो को बहुत बातें सुना दी जो कि आई थिंक वो सुनना डिजर्व भी करता है. और इधर जेंजन जाइवन को मनाने के लिए ऑफिस तक भी आ चुकी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग. तो जाइवन ने बोला सी नीड सम टाइम टू कम डाउन. जेंजन ने उसे थोड़ी सी चिढ़ा के देन बुक्स के पास वापस आई. सी सॉ बुक्स आंटीज की डांस इंजॉय कर रहा होता है. जेंजन बुक्स की ये साइड देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और हैप्पी भी थी. एंड देन उसने वो कंपनी की फर्स्ट डे याद कर रही थी जहाँ बुक्स काफ़ी रूड था. देन बुक्स से तुम अभी तक मेरे बारे में कुछ जानती ही नहीं. लेट्स गो फॉर ग्रॉसरीज आई विल कुक डिनर टुनाइट. इन दिस ड्रामा मेरी सबसे फेवरेट सीन्स में से ये सुपरमार्केट की सीन है. दोनों बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल की तरह शॉपिंग कर रहे होते हैं. घर आके जहाँ बुक्सू कुकिंग कर रहा होता है तो जिनजन उसकी हेल्प कर रहती है. सच रोमांटिक सीन्स दिस. और इससे बीच जीरो के एक इंटरव्यू से मालूम पड़ा कॉन्टेस्ट के बारे में. तो जीरो से मैं एम कर रहा हूँ टू विन दिस कॉन्टेस्ट और बुक्सू से कॉज मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. अगर मैं होता तो तुम सेकेंड होते नहीं तुम सेकेंड भी नहीं होते. तो बुक्सू के इस कॉन्फिडेंस से जिनजन को प्लान आई बुक्सू को भी इस कॉम्पिटिशन में डालने के लिए. और नेक्स्ट डे जेंजन ने मिस्टर गुस्से भी ये बात डिस्कस की. वो हैप्पी तो नहीं हुए बट उन्होंने बुक्सू को इनकरेज की कहा कि दिल से म्यूजिक गाना. उनके इस इनकरेजमेंट से बुक्सू काफ़ी हैप्पी हुआ और उनको फोरहेड में किस भी कर डाली. तो फाइनली देयर इज अ वे टू गो न्यू पाथ ओपन फॉर बुक्सू. सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर टू कीप वॉचिंग विदाउट मिस एनी अपडेट्स. आई विल कैच ऑन माई अनदर वीडियो. टिल देन हैव अ गुड डे गाइस. बाय बाय.